कल शाम को जैसे सूचना मिली तो हमें तो ये आभास हो गया था कि ट्रॉलीज की जो लोकेशन होगी वो काफी हाइट पे होगी, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई सारे ट्रॉली ऑपरेशंस किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस मसूरी में एक बार किया था जैसे कि लगभग 1 दशक पहले, तो इसका अनुभव तो था ही, लेकिन ये विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट था कि एरिया बहुत वास्ट था और अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते, चूंकि हमारी जो टीम्स थी वो रांची से वहां पे पहुंची और हम लोगों ने रात को पहुंचते ही सिचुएशन को एनालाइज किया और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं इंडियन एयरफोर्स आर्मी एनडीआरएफ उनके साथ हम लोगों ने बैठकर पूरा एक चौपट किया प्लान वहां का, और दो तरफ से अप्रोच करने की बात हुई। एक तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनके चॉपर्स हैं उनको उन लोगों ने इम्प्लॉय किया और बहुत ही शिद्दत के साथ उन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की नजदीक से नजदीक। दूसरी तरफ से जो हमारी टीम्स थी उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से, उस तक एक रोप पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ, हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं जो तरीका होता है रेस्क्यू का उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और धीरे धीरे करके 4 लोगों को निकाला। दूसरी तरफ से जो चॉपर्स थे उन लोगों ने भी एनालाइज किया सिचुएशन को, वहां पर अपने लोग भेजे एंकरिंग के साथ और वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले तक 8 लोगों को सेफली निकाला जा चुका था और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि और भी काफी लोगों को वहां से सेफली निकाल लिया गया है और समय इस पंद्रह पर लग लोगों रहा है। की अभी तक सर हमें जानकारी मिली जी है। जी 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 हो सकता है ज्यादा भी हो, मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ चूंकि मेरे पास ऑफिशियल फिगर अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन हो सकता है नंबर और ज्यादा हो। सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि लोगों को बहुत आराम से, बिकॉज दिन है ब्राइट सनशाइन है और थोड़ा वक्त भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब हम उनको निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रख रहे हैं कि उनके अंदर पैनिक ना हो, वो डरे नहीं, बिकॉज एंकरिंग के साथ ही लोगों को मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है। लगभग 500 फीट तक की हाइट पर एक ट्रॉली ऐसी भी है जो 500 फीट की हाइट पे है, तो वो बहुत ऊंचाई पे है। वहां पे अभी हमें भी नहीं पता कि कितने बच्चे हैं कितनी औरतें हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को स्टेबल करना मेंटली, फिर उनको धीरे धीरे करके नीचे लाना और फिर कोशिश ये करना कि वो सेफली नीचे आ जाए। तो 2-3 प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाना पीना बाकी चीजें उनको पहुंचाई जा चुकी हैं बीच बीच में, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि शाम तक, बहुत देर ना करें हम, और शाम तक सुरक्षा के सारे मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को सेफली नीचे ले आए। स्थानीय प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है हम लोगों को एंड वी आर होपफुल कि शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कम्प्लीट हो जाए। क्या कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को सर ट्रॉली में बिठाया गया, यही हादसे की वजह बनी? जी ऐसा कह नहीं सकते, बिकॉज जो हम लोगों को सूचना मिली है वो 4 पर ट्रॉली है और शायद उतनी क्षमता है उसकी, 4 से ज्यादा लोगों को नहीं बिठाया गया। हाँ ये है जरूर है कि कल रामनवमी था, रश बहुत ज्यादा होगा और काफी मूवमेंट होगी, टेक्निकल ही कोई प्रॉब्लम आई है बीच में, ऐसा कहा जा रहा है कोई पुली उतर गई। एक पुली उतरती है तो चूंकि ये जुड़ाव में है, सारी सारी जो ट्रॉलीज होती है एक दूसरे से जुड़ाव में ही है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रहती हैं और ये हादसा अभी तक यहाँ कोई ऐसा पेश आया नहीं था। तो जो रेस्क्यू के जो नॉर्म्स होंगे जो एसओपीज होंगे दैट हैज टू बी सीन कि उसमें क्या सिस्टम रहा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि 18 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और वी आर होपफुल कि 3-4 घंटे और लगे तो लगे, लेकिन हम लोग सेफली सबको वहां से यानी कि आज निकाल। शाम तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, ऐसी आपको उम्मीद है? जी जी पूरी तरह से उम्मीद है, जिस ढंग से अभी अभी के जो हालात बन रहे हैं उसमें बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, काफी लोगों को निकाला गया है, चूंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी बेटर तरीके से हम वहां पर फील्ड में ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों को शायद निकाल भी लिया गया हो। अभी मेरे पास आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस बात की, बट बहुत लोगों को निकाल लिया गया है, कुछ देर में और स्थिति क्लियर हो जाएगी और हमें लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज ही पूरा हो जाना विवेक चाहिए। जी, स्थानीय प्रशासन ने आईटीबीपी को कब कांटेक्ट किया, कितने बजे? देखिए हमें तो शाम को ही कल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, घटना तकरीबन 5 बजे की और विद इन एन आवर हमारी टीम रश कर गई थी लोकेशन के लिए। बहुत ही प्रॉम्प्ट मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम था और आईटीबीपी ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहते हुए, हमारे 3 अधिकारी हैं वहां पर और 50 से ज्यादा हमारे माउंटेनियर्स वहां पर लगे हुए हैं जो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काफी हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं माउंटेनियरिंग के और बाकी चीजें हैं, कुछ हमारे पास और भी सिस्टम है कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्पेशल जिससे हम अपने लोगों के टच में हैं, और चूंकि रात हो गई थी कल, काफी अंधेरा काफी था लोकेशन पे, तो रात ऑपरेशन कर पाना एकदम से संभव नहीं था, अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था। यह जरूर है कि स्थानीय प्रशासन ने हमें ताकीद की थी लोग सुरक्षित हैं,
और उनको उनसे वो संपर्क में एक पैरेलल कोई पुली एक जो रोपवे है उसके माध्यम से उनसे उन लोगों ने दूर से उन लोगों की सिचुएशन को एनालाइज कर लिया था। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन उस दौर में नहीं थी रात को, इसी वजह से सुरक्षा को और बाकी सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज अर्ली मॉर्निंग इस ऑपरेशन को फुल स्विंग में युद्ध स्तर पर मैं कहूंगा सारी एजेंसीज के साथ मिलकर शुरू किया। विवेक जी, जैसे कि आप पहले बता रहे थे, आपने इस तरह के कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, कई एसओपीज होते हैं इसमें, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में ध्यान रखा जाता है कि लोगों में पैनिक ना हो। पैनिक ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए यहां पर क्या किया गया? क्योंकि जाहिर तौर पर ये लोग भूखे प्यासे पिछले 21 घंटे से फंसे हुए हैं, ऑक्सीजन लेवल्स भी इतनी ऊंचाई पर कम होते हैं, फोन कई बार काम नहीं करता है, बाथरूम जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जी देखिए, समस्या तो है। एक मैं कहूंगा, मैंने मेरे साथ बताया कि पहले जो 12 घंटे गुजरे होंगे बहुत ही उनके लिए बहुत ही मुश्किल में होगा वो स्थिति, बिकॉज वो ऐसी लोकेशन में थे जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना ना उनके लिए एडवाइसेबल था, ना ही रेस्क्यू टीम्स को वहां पहुंच पाना। हमने जैसे तपोवन का भी रेस्क्यू किया था जिसमें आपको पता होगा टनल में लगभग 12 लोग फंसे हुए थे, 4 साढ़े 4 घंटे बाद हम लोगों ने जीवित उनको वहां से निकाल लिया था। अब कुछ स्थितियां होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल होती है, एक ह्यूमन मैं कहूंगा एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है।